नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी में। मैं हूँ आपके साथ पारुल। बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले सबसे अहम और जरूरी बात, जिंदगी से जुड़ी हुई बात कि कोविड काल चल रहा है, कोरोना एरा चल रहा है, लेकिन उस टाइम अगर हम बगैर मास्क के निकलेंगे तो कोविड अपनी चपेट में हमें ले लेगा। इसलिए अपील यही कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर पहने और मास्क को अपना एक ट्रेंड जरूर बनाएं, ताकि आने वाले समय में भी आप इसे अपनी आदत में शुमार कर लें। चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं और इस बुलेटिन में हम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। दिन भर जो बड़ी खबरें रहने वाली हैं, आज दमोह उपचुनाव में वोटिंग चल रही है और बीजेपी कांग्रेस समेत 22 प्रत्याशी मैदान में है। बीजेपी की ओर से कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए राहुल सिंह लोधी प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की ओर से अजय टंडन उम्मीदवार है। 2 लाख से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे। 7 से शाम 7 बजे तक वोटिंग चलती रही। तो दमोह उपचुनाव में जारी है वोटिंग। बीजेपी कांग्रेस समेत 22 प्रत्याशी मैदान में है। बीजेपी की ओर से राहुल सिंह लोधी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की ओर से अजय टंडन, और अजय टंडन इस वक्त कोविड पॉजिटिव हैं। कल उन्हें बाहर घूमते हुए देखा गया था, वो भी बगैर मास्क के। ये जनप्रतिनिधियों की किस तरह से लापरवाही है, किस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया है उनकी जनता के स्वास्थ्य के प्रति, ये दर्शाता है। तो हालात कुछ ठीक नहीं है। दमोह उपचुनाव पर भी कोरोना का असर दिख रहा है। कई सारे ऐसे नेता जो दमोह से लौटे हैं, उनकी अब रिपोर्ट जो है वो कोविड पॉजिटिव आई है, जिसमें दिग्विजय सिंह साहब का भी एक नाम शुमार है। उसके अलावा अजय टंडन खुद और कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के भी कई बड़े नेता हैं जो दमोह से लौटे और पॉजिटिव हुए। लेकिन ये भी आशंका है कि आज के बाद जब कल आंकड़े देखे जाएंगे, एक बड़ा विस्फोट हम दमोह में देखेंगे, क्योंकि लगातार रैलियां हो रही थी यहां पर, लगातार सभाएं हो रही थी, किसी भी तरह से प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था। ना कोई मास्क में दिखाई दे रहा था, ना सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही थी, सब जैसे गर्त में चले गए थे। और आज इसी सीट के लिए, यानी जान दांव पर जिस चुनाव के लिए दोनों ही दलों ने लगा दी कोविड से दो दो हाथ करने की कोशिश, लेकिन आज उस पूरी मेहनत का सिला जनता देगी। और वो सिला क्या रहा, यानी वो फैसला क्या हुआ, वो जनता की वोटिंग के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा। यानी नतीजे बताएंगे कि कोविड में अपने आप को झोंक दिया, खूब सभाएं, खूब रैलियां, तमाम प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी, अंततः किसके पक्ष में जनता, क्योंकि एक सिंपैथी फैक्टर अजय टंडन के साथ भी जुड़ जाता है कि वो पॉजिटिव हो गए। तो दमोह उपचुनाव साख का सवाल दोनों ही दलों के लिए, क्योंकि इसे बीजेपी का 2023 को लेकर लिटमस टेस्ट देखा जा रहा है, और कांग्रेस के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आगे कांग्रेस अपने आप को बरकरार रख पाती है नहीं। एक सीट, लेकिन कई तरह की चीजें जो स्पष्ट हो जाएंगी इसके बाद, ऐसा माना जा रहा है। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं वैभव। वैभव, दमोह उपचुनाव जहां वोटिंग तो चल रही है, साख का सवाल ये सीट दोनों ही दलों के लिए, एक सिंपैथी फैक्टर अजय टंडन के साथ जुड़ जाता अगर वो कोरोना काल में बाहर इस तरह से घूमते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी जो समर्थक हैं वो उनको बचा लेंगे ऐसा लगता है। अब जो वोटिंग चल रही है उसे लेकर आपकी क्या सोच है, आप किस तरह से इसको देखते हैं वैभव? वैभव को आवाज मिल रही है हमारी?
चलिए, लगता है वैभव को आवाज नहीं मिल रही है। तो दमोह उपचुनाव में वोटिंग जारी है, यहाँ 22 प्रत्याशी मैदान में हैं, 2 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जो इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। वैभव हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, हमारे विशेष संवाददाता। वैभव, 22 प्रत्याशी मैदान में, दमोह उपचुनाव सख्त सवाल दोनों ही पार्टियों के लिए, और लौटे दिग्गज तो कोरोना लेकर लौटे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि बड़ा विस्फोट होगा यहाँ पर, यानी आज के बाद जब वो आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा कि कितने गए इस कोविड में। खैर, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से राजनेताओं ने अपना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया उपचुनाव में, ये बताता है कि इतनी आसानी से सब ठीक नहीं होगा। दमोह में खासतौर पर एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। आपकी क्या राय दमोह उपचुनाव को लेकर? जी मतदान किया जाएगा। 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जहां बीजेपी की ओर से राहुल सिंह लोधी, जो कि पहले कांग्रेस के विधायक थे, वो चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से अजय टंडन चुनावी मैदान में हैं। बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जिस तरह से सियासी घटनाक्रम हमें देखने को मिला कि कथित गाड़ी से पैसे मिलने की बात भी सामने आई, कहा गया कि ये नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की गाड़ी है। तमाम तरह की बातें आई जो कि जांच का विषय है। कांग्रेस ने उसको लेकर तमाम तरह के आरोप भी लगाए हैं और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कड़ी जांच करने की बात भी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि ना तो गाड़ी में किसी तरह के कोई पैसे मिले। चूंकि स्टाफ के मेंबर्स को नहीं पता था कि विधानसभा में मतदान होना है दमोह में, इसलिए वो उससे पहले ही विधानसभा छोड़ चुके थे, इसलिए वो गाड़ी वहां पर थी। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जांच होगी, जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा स्थिति। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है कि तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच में ये दमोह के उपचुनाव हो रहे हैं, और जैसे ही दमोह में उपचुनाव का प्रचार थमा, इसके साथ ही आज वोटिंग की शुरुआत हो गई। सबसे पहले दिग्विजय सिंह के कोरोना पीड़ित होने की, कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आई, जो कि ट्वीट के माध्यम से खुद दिग्विजय सिंह ने दी है। दिग्विजय सिंह के साथ ही कई सारे नेता ऐसे हैं जो कि दमोह उपचुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन में कर लिया है, कई लोगों ने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। लेकिन अब जिस तरीके से वहां पर लगातार जांच बढ़ाई गई है, उच्च स्तर पर बैठकें की जा रही हैं, कोविड केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, तो स्पष्ट है कि सरकार को भी अंदेशा है, जिला प्रशासन को भी अंदेशा है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार के लिए छूट मिली थी, राजनीतिक रैलियां हो रही थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे, बिल्कुल राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे थे, तो उससे कहीं ना कहीं कोरोना का जो विस्फोट होने की स्थिति पैदा हो सकती, तो उस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी, सरकार के द्वारा की जाएगी। लेकिन पावल जी, जो होना था वो हो गया। जब आपको रैलियों पर रोक लगानी थी, जब पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन जैसे हालात थे, कोरोना कर्फ्यू या फिर हम इसको कह सकते हैं जनता कर्फ्यू लगाया गया था, नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, संडे और सैटरडे को लॉकडाउन करने के प्रयास पहले ही शुरू कर दिए थे, कई तरह की बंदिशें लगाई गई थी, लेकिन उस वक्त दमोह को छोड़ दिया गया था। दमोह को लेकर ये कहा गया था कि दमोह में चूंकि उपचुनाव होने हैं तो जो फैसला लेगा वो आयोग लेगा। आज मतदान हो जाएगा, 7 बजे मतदान कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी चुनाव परिणाम भी सामने आ जाएंगे। लेकिन ये जो राजनीतिक रस्साकसी के बीच में कोरोना का जो कहर दमोह की जनता पर टूटेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और अगर चुनाव आयोग अब दुरुस्त करने, आप प्रशासन अब दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है कि इस कोविड समय पर अब कैसे काबू पाया जाए, तो उनके लिए वही कहावत याद आती है कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे से क्या हो। चलिए, मैं लौटूंगी।